जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के साथ मैं शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और निश्चित ही आप एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ से सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ऑन कर लीजिए, और साथ ही साथ अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं क्या यहाँ पे एक्चुअल में बात हो रही है। सो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि जो हाई कोर्ट ऑफ जो मध्य प्रदेश है, आज जैसा कि आपको पता है जो ओबीसी का आरक्षण का जो मामला चल रहा है उसकी आज सुनवाई होनी थी। यानी आज उसकी सुनवाई होनी थी कि 27% रिजर्वेशन दिया जाएगा या फिर उसको 13% कर दिया जाएगा। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। आइए मैं बता देता हूँ कि आज के जजेस ने क्या यहाँ पे निर्णय दिया है। तो जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा था तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये रिट पिटीशन था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, इसकी जो याचिका दायर हुई थी ये 14/3/2019 को हुई थी, रिट पिटीशन है। तो यहाँ पे आज की अपडेट अगर हम देखें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस में लिखा हुआ है दोस्तों, पेंडिंग नॉट रेज्ड। इसका मतलब ये है कि आज ओबीसी 27% रिजर्वेशन का जो मामला है वो जजेस तक पहुंच ही नहीं पाया। मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, या यूं कह लीजिए कि इसका नंबर इतना पीछे था कि ये ऑनरेबल जो जज हैं उनके पास ये मामला पहुंच ही नहीं पाया, और जिसकी वजह से इन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। तो इसको भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आगे बढ़ा दिया गया है। और मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि कई बार ये जो डेट पे डेट दी जा रही है इसे हमारे युवा साथियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे 27% जो रिज़र्वेशन है उसकी डिमांड कर रहे हैं, और इसके साथ ही साथ जो वर्ग एक और वर्ग दो की काउंसलिंग है वो रुकी हुई है, और वर्ग तीन की भी काउंसलिंग इसी वजह से अभी शुरू नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे जो रिज़ल्ट हैं वो 27% रिज़र्वेशन के आधार पर बना दिए गए हैं। अब यहाँ पे क्या रिज़ल्ट आता है, या यूँ कह लें कि क्या डिसीजन आता है हाई कोर्ट की तरफ, वो अभी जानने और सुनने को है। इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, मैं अगर आपको सिंपल शब्द में कहूँ तो देखो, ऐसा है कि सरकार अपना काम करती रहती है, जज अपना काम करते रहते हैं, सभी अपने जगह ठीक हैं, लेकिन इसमें जो पिसने का काम कर रहे हैं वो युवा हैं। वो इसमें पिस रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और फाइनली एक जॉब, एक छोटी सी जॉब लेने के लिए जिसमें 20 से 25 हज़ार 30 हज़ार मिनिमम, या यूँ कह लें मैक्सिमम सैलरी होती है, उसके लिए हम हमारे लाइफ का लगभग लगभग 5 से 6 साल कीमती वक्त इस पार्टिकुलर जॉब के लिए छोड़ देते हैं या गवा देते हैं। और हमें अंत में मिलता क्या है, कुछ ही लोगों को जॉब मिलता है, बाकी हम लोग बेरोजगार की श्रेणी में शामिल हो जाते हैं। तो ये बातें हम सभी के लिए चिंतनीय हैं और सोचनी है। सरकार को भी इस पर स्टेप उठाने चाहिए और कदम उठाना चाहिए ताकि इस प्रकार की प्रॉब्लम को ठीक किया जा सके। मतलब यहाँ भी आज अगर इसका कंक्लूजन देखें, निष्कर्ष देखें, तो कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं दिया गया दोस्तों, और डेट पर डेट दी जा रही है। ये तो यूँ मूवी की जैसा हो गया कि डेट पर डेट दी जा रही है और इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा।